हेलो दोस्तों, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर आज हम आपको साइंस का एक काला सच बताएंगे जो अतीत के पन्नों में दफन हो गया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हैवानियत की सारी हदों को पार कर चुका था, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि 1940 में रशिया ने किया था, ये जानने के लिए कि इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है या ना सोने पर इंसान की शरीर पर क्या बदलाव आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को चुना गया। ये कैदी वर्ल्ड वार 2 से पकड़े गए थे और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों तक बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से पूरा करे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस कमरे में खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट, पढ़ने के लिए कुछ किताबें और बाकी सुविधाएं दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिली। इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 मिरर्स लगाए गए, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे और आवाज के लिए माइक्रोफोन फिट कर दी गई। उन कैदियों को नींद ना आए इसके लिए उस कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस जैसे कि कोकीन या एम्फिथिबिन को ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ दी गई। पहले 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था और एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन 5वें दिन उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी। इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। इसी दौरान 9वें दिन उनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटे तक लगातार छींकता रहा, जिस वजह से उसकी गले की वोकल कॉर्ड फट गई। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर भी समान रूप से दिखने लगा, जिस वजह से सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे और माइक्रोफोन में हल्की आवाज में पहले की तरह कुछ कहने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़कर आईनों के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ भी ना दिख सके। इसके बाद इन कैदियों की आवाजें आने भी बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन की कंजम्पशन से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी तब रिसर्चर्स ये डाउट करने लगे कि सारे कैदी मरने के स्टेज पर आ चुके होंगे। उसके बाद उन्होंने उस कमरे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को बाहर आने की सूचना दी, अंदर से एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है, जो कि चौंकाने वाली बात थी। ये सुनकर सारे रिसर्चर्स सोच में पड़ गए कि आखिर उन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था, वो चाहते थे कि हमेशा इसी तरह जागते रहें। लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स ने उस कमरे को खोला, उन्होंने देखा कि जमीन खून से रंगीन हो चुकी थी और वो कैदी एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे और उसी जमीन पर कैदियों के काटे हुए अंग पड़े हुए थे। 2 कैदियों के जख्म इतने भयानक थे कि उनके अंदर के वर्किंग ऑर्गन्स और हड्डियां दिख रही थी, जो कि बहुत ही भयानक सा नजारा था। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन का दर्द भी मजा आने लगा था। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट काफी भयानक रूप लेने लगी थी और इसीलिए रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकने का फैसला किया। पर कमांडिंग ऑफिसर की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को फिर से चालू कर दिया गया। उनका कमांडिंग ऑफिसर ये देखना चाहता था कि इन बचे हुए कैदियों को फिर से अगर इस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर्स ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफी भयानक और हैरानियत से भरा था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर का एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देना चाहते। मैं वो हूँ जिसे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे ही अंदर की बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर्स ने उन दोनों कैदियों के साथ सारे रिसर्चर्स और कमांडिंग ऑफिसर को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट की रहस्य को वहीं दफना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भविष्य में ऐसे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए या नहीं?
जो कि प्रकृति और मानवता के खिलाफ हो। अगर आपको लगता है कि ये सही था या फिर गलत, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।